गरीबों का मसीहा कहे जाने वाली केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार जहां गरीबों को सर ढकने के लिए छत मुहैया करा रही है, तो वही गोंडा जिले में नगर पालिका प्रशासन की तानाशाही रवैये से 40 सालों से बसे गरीबों के आशियानों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, जिससे लोग फुटपाथ पर खुले आसमान के नीचे रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। पीड़ितों ने बताया कि अतिक्रमण का आरोप लगाकर गरीबों के पक्के मकान को नगर पालिका कर्नलगंज ने बुलडोजर की कार्रवाई कर ध्वस्त कर दिया। घटना यूपी के गोंडा जिले के तहसील कर्नलगंज की है, जहां महज 100 मीटर की दूरी पर करीब 50 साल से बसे 40 से 50 परिवार के मकान पर एकाएक नगर पालिका ने बुलडोजर की कार्रवाई की है। वहीं बेघर हो चुके रोते बिलखते लोगों ने सरकार से न्याय की गुहार लगाई है। 50 साल से बात आज क्या कहा है? आज कहेंगे 2 बजे इसको नहीं हटाओगे तो फिर बुलडोजर चल जाएगा। घर में कोई है नहीं, किसको ऊपर चला दोगे? बीवी बच्चों के ऊपर। कितने लोग यहाँ रहते हैं, कितने घर हैं? 35-40 घर हैं, सब और पर। अब हम लोग क्या कहे, घर में रहेंगे, बुलडोजर चलवा दे। अच्छा, बुलडोजर चलेगा तो घर में रहेंगे? तब क्या करें भाई, हम जब जमीन घर नहीं तो हम लोग रह के कहाँ जाए? क्यों, जान की परवाह नहीं है? नहीं, जान की परवाह ही नहीं है। कहूँ व्यवस्था किए होते, कहीं बोलते कि कहीं चलो हटके, हम वहाँ हम बैठालते हैं, तुम लोग वहाँ रहो। इसको सड़क के किनारे लोग हैं जो बढ़ बढ़ के बना लिए हैं, अवैध अतिक्रमण किए, उनको हटाया गया, अस्थायी अतिक्रमण में हटाया गया है। इसमें मैं उल्लेखनीय करना चाहूंगा कि अस्थायी अतिक्रमण हटाया गया, स्थायी अतिक्रमण बिल्कुल भी नहीं हटाया गया है। किसी का भी घर नहीं तोड़ा गया, किसी भी गरीब को नहीं उजाड़ा गया है। और जहां तक रही नगर पालिका के नोटिस की बात, वो उनका अपना विधिक प्रक्रिया है, वो अपना कर रहे हैं। वो नोटिस दे के जो भी विधिक प्रक्रिया होगी उसके तहत अगर कोई अवैध अतिक्रमण किया होगा, पूरा ख्याल रखते हुए गरीबों को, जो सरकार की मंशा है, उनको किसी गरीब को ना उजाड़ते हुए, उनको पुनर्स्थापन करते हुए हम सरकारी जमीन को बचाएंगे और अवैध अतिक्रमण मुक्त कराएंगे। लेकिन अभी जो अभियान चला है उसमें कोई भी एक भी स्थायी घर नहीं तोड़ा गया है या अतिक्रमण मुक्त किया गया है।